हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये बिखरा हुआ घर, अब घर जाने की तैयारी यानी दुर्गा पूजा की तैयारी। मम्मी बैठ के ऊन का टब बीन रही है। एक टोपी मैंने पूरा कर लिया और बाबू यहाँ पे सोया है, एक टोपी देख रहे हैं, सोफा पे रखा हुआ है। और अब मैं पैकिंग के लिए चलूँगी। कुछ फिट किया है, कुछ आयरन किया है, इसीलिए वो बिखरा था। नीचे में ही बैठा कर यानी कि बेड लगा कर वहीं पर आयरन भी कर रही थी, टीवी भी देख रही थी, मम्मी बिन रही थी। बाबू वहीं पर, जहां आदमी रहता है वहीं पर वो रहता है। कोई भी आदमी वहीं पर रहना पसंद करेगा, वो तो बच्चा ही है। तो सोफ़ा पर ही वो सो गया था। तो लगभग शाम का समय है और यहाँ पर मैं सारा चीज़ पैकिंग कर रही हूँ। तो एक एक करके आयरन करना, खुद से मैं सारा चीज़ धोती हूँ, उसके बाद मैं सारा चीज़ अरेंज करती हूँ। आज तो अभी जो आप देख रहे हैं संडे है, तो अगले संडे को मेरी माँ मुंबई से, मेरी सासू माँ आ जाएंगी और मेरे देवर जी, और मंडे को हम लोग निकलेंगे यहाँ से। जैसा कि अभी तक प्लान है, मम्मी लोग भी उसी दिन निकल जाएगी, मेरे हस्बैंड हम लोगों को पहुँचा कर फिर आ जाएंगे। अगर मेरे देवर हम लोगों को पहुँचाने जाएंगे तो फिर ये नहीं जाएंगे, ये फिर 4-5 पूजा 6 पूजा को आएंगे। तो यहाँ पर मैं जब रखती हूँ साड़ी, तो मैं इसी ट्रिक से रखती हूँ कि जैसे सबसे लास्ट में यानी 10 पूजा को कौन सा पहनना है, वो सबसे अंदर, फिर 9 पूजा को, फिर 8, 7, ऐसे करके सबसे ऊपर पहली पूजा को पहनने वाला रखूँगी। तो तीज का ब्लॉग उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। मैं बिल्कुल तकलीफ़ में हूँ, उसके बावजूद भी आप लोगों के साथ इतने अच्छे अच्छे पल को शेयर करती हूँ। तो जो तीज के दिन मैंने दिन भर पहना था रेड वाला साड़ी, वही मैं सोच रही हूँ पहली पूजा के दिन पहनने का। और शायद कोई पूजा है ऐसा कि एक ही दिन में 2 पूजा है, तो यही रेड वाली साड़ी की मैं बात कर रही थी। तो सारा साड़ी रखूँगी, सबका पेटीकोट और ब्लाउज। तो पहले तो मैंने ब्लाउज के बारे में सोचा था कि इसी में ले लूँगी VIP में ही, और जो ब्लाउज कवर मैंने लिया था, मैंने सोचा था उसके बारे में उसको छोड़ दूँगी यहीं पर। लेकिन चूँकि 2-4 साड़ियाँ अच्छी अच्छी साड़ियाँ ली है, तो 2 साड़ी तो अभी मैंने ख़रीदा है। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको इसी में दिखाऊंगी या बताऊंगी। तो वो साड़ी का ब्लाउज में मुझे बनाना है, तो उस सब को देखते हुए मैंने देखा आयरन टूट रहा था जब मैं फोल्ड करके VIP में रख रही थी, इसीलिए मुझे ब्लाउज का कवर ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो साड़ियाँ जो मैं कम पहनी हूँ और थोड़ा जो कंफर्टेबल है उसको मैं ले रही हूँ। इसको मद्देनज़र रखते हुए कम से कम 10-12 साड़ी लेकर जाऊँगी। और ये साड़ियाँ सब जो हैं मैंने सोचा है कि मैं वहीं पर छोड़ दूँगी घर पे, क्योंकि अब तो घर आना जाना लगा रहेगा। माँ का इलाज जो है अब पटना से ही चलेगा, तो यहाँ माँ जो है घर में रहने की ज़्यादा इच्छा जाहिर कर रही है, तो आना जाना लगा रहेगा। हर 15 दिन में 12 दिन में डॉक्टर यहाँ बुलाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कुछ साड़ियाँ वहाँ पर छोड़ दूँ। ये 2-3 कुर्तियाँ मैंने आयरन की हैं और भी कुर्तियाँ लूँगी। और ऊपर जो मैं साड़ी रख रही हूँ, 3-4 साड़ियाँ ऐसी रख रही हूँ जो पहन के मुझे मेला घूमने जाना है, क्योंकि इस बार माँ को मेला घुमाने लेकर जाएंगे। तो वो मैं अपने हस्बैंड से सेलेक्ट करवाऊँगी कौन सा लेकर जाऊँ, इतना तो लेकर नहीं जाऊँगी। और कुर्ती पर जिस तरह की आप लोग लेगिंग पहनते हैं, तो लेगिंग मैंने इस बार रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि लेगिंग जो है 350 लग जाता है लायरा वगैरह में, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं चलता है। और ये प्रिंटेड वाला 1-2 शिफॉन साड़ी भी रख रही हूँ, अगर ठंडा का अचानक से समय कर दे, बारिश वगैरह होने लगे तो इस तरह से। और ये ब्लाउज कवर अभी तो मैंने वो सारी ब्लाउज इसमें रखी है जो कि लेके नहीं जाना था, लेकिन फिर जब बाद में मैंने इसको अरेंज किया, ये सब जो मैं रख रही हूँ ये सब मुझे लेके बिल्कुल नहीं जाना है, लेकिन बाद में जब मैं इसको मैंने सेट किया फिर देखा नहीं ये लेके जाना ज़रूरी हो गया था। बहुत सारा ब्लाउज हो गया था, 12-13 ब्लाउज हो गया था, तो इसीलिए मैंने वो सेट कर लिया। अभी भी 2-4 साड़ियों पर कन्फ्यूज़न है कि कौन कौन सी साड़ियाँ लूँ या नहीं लूँ, कैसे करके लूँ। फिर सोचती हूँ 2-4 साड़ियाँ जो है इनके लिए छोड़ दूँगी, ये लेकर आएंगे, फिर सोचती हूँ कि ये अपना लेकर जाएंगे या हम लोगों का। तो मैं बिल्कुल स्थिरता से सारे, इसीलिए मैं सारे काम को पहले से कर रही हूँ। मैं शुक्रवार तक सोचती हूँ ये सारा काम मैं निपटा लूँ, ताकि जब माँ आए तो माँ के सेवा में मैं लगी रहूँ। इसीलिए घर भी थोड़ा आपको बिखरा दिख रहा होगा, और उधर जो पीछे ऊन देख रहे हैं, तो दीदी का जो बेटा हुआ है उसके लिए स्वेटर टोपी और पैजामा बनाना है। तो टोपी तो लगभग बन गया, मम्मी आज कंप्लीट कर ही देगी, मैं भी उसमें हेल्प करती हूँ। और मम्मी मतलब थोड़ा सा बिनेगी, फिर थोड़ा सा तुम कर दो, मैं बोलती हूँ मम्मी, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ क्योंकि मैं वो पकड़ती हूँ, फिर मैं वही करने लगती हूँ, समय कम है। तो हंसने लगती है, बोलती है पुराना भी तो तुम्ही को है, इसीलिए मैं तो और तुम्हारा
मदद कर रही हूँ, तो मन लगा काफ़ी। लगभग एक महीना मम्मी का हो गया 25 तारीख को ही आने से, लेकिन ऑपरेशन 15 तारीख को हुआ है, तो 30 तारीख तक तो डॉक्टर ने मना किया था 15 दिन कहीं इधर उधर नहीं जाने का, लेकिन जाते जाते 3-4 तारीख को हम लोग निकलेंगे, तो 15-20 दिन हो जाएगा। तो अभी मम्मी को भी जाने देने का मन नहीं था, लेकिन मुझे तो सब देखना है, डियर माँ को भी देखना है, सासू माँ को भी देखना है। यहाँ पर मैंने लगभग वो सारे सामान ले लिए हैं, अब बाकी अब कॉस्मेटिक वगैरह बचा है। चलिए फिर से मम्मी के पास लेकर चलते हैं। मम्मी का क्या हो रहा है? मम्मी का यहाँ उसी तरह बिनाई हो रहा है, टीवी देख रही हैं। अब मैं जो बचा है ब्लाउज उसको देखूँगी कितना लूज है कितना टाइट है। अभी भी बाबू सोया है, और सोफ़ा के नीचे जो चुन्नी लाल का देख रहे हैं ये थैला, बाबू का कपड़ा का शॉपिंग हो गया है, तो ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक एक करके। हेलो एवरीवन, कहते हैं आप सब, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अचीवमेंट इन ऑल में, और मैं हूँ आपके साथ नम्रता। तो आज जैसे कि मैंने बताया आपको, आज सोमवार है और 27 सितंबर है। कल का जो आपने देखा वो 26 सितंबर था, और लगभग 25 तारीख से ही मैं तैयारी में लग चुकी हूँ, क्योंकि 25 तारीख को मार्केट गई और फिर 26 को जो भी ब्लाउज वगैरह फिटिंग वगैरह, क्योंकि कुछ टाइट हो जाता है, कुछ ढीला, कुछ उसको लूज करना है, टाइट करना है, तो ये सब प्रॉब्लम। और अगर आप सिलाई का काम जानते हैं तो मेरे साथ क्या होता है कि कहीं भी मैं जाऊँ तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती ही होती है। एक मशीन से इतनी पुरानी दोस्ती है, जब तक मशीन को टच नहीं करूँ काम कम्प्लीट नहीं होता है। तो तैयारी लगभग 25 तारीख से ही शुरू हो गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ 15 सितंबर को, तो 30 सितंबर को मम्मी का 15 दिन हो जाएगा। 30 सितंबर को मम्मी दिखाएगी, और उसके बाद फिर मम्मी बोली कि तुम लोग जाओगी तो मैं भी निकल जाऊँगी, मेरे घर में भी दुर्गा पूजा है, तो मेरे ससुराल में कलश स्थापना होता है, और मेरी शादी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो मैंने कोई भी जैसे गुसाएँ छूना होता है या कलश में सिंदूर करना होता है, ये सब काम अभी मैंने नहीं किया है। तो मेरे हस्बैंड को क्या है कि अब भगवान से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है, वो बिल्कुल भी अब भगवान को नहीं मानते हैं, क्योंकि जब से माँ बीमार हुई तो उनको लगता है कि मेरी माँ इतना पूजा करती थी, और उसको डॉक्टर ने ऐसा कह दिया कि अब ईश्वर ही इनको बचा सकता है, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि तुम भी नहीं करो। मम्मी का तो हुआ तो चलो, दो बेटा था उसको, मैं हूँ, मेरा भाई है, पापा हैं, सब ने अपना पैसा लगा दिया, फिर भी अब देखते हैं मम्मी कब तक रहती है, लेकिन तुम लोग अगर बीमार पड़ जाओगे फिर क्या होगा। औरत को समझ में नहीं आता है कि ये किस पर ये परेशानी पतियों पर पड़ता है या घर के जेंट्स पर पड़ता है, इसीलिए ऐसा मत करो। कोई भी व्रत नहीं करने देते हैं, आप लोगों ने देखा सावन की सोमवारी भी इन्होंने नहीं करने दिया। पहनो ओढ़ो सब कुछ खरीदूंगी, लेकिन व्रत मत करो। और मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब तबीयत ऐसा लगता है, दो दवाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, कान में भी थोड़ा प्रॉब्लम था और ये पेट में भी थोड़ा दिक्कत था, तो दो दवाई खाने के कारण बिल्कुल डल हो गई थी। सुबह उठती थी, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि उठने का पूरा शरीर आपको लगेगा कोई दम ही नहीं मिल रहा है, कोई ताकत ही नहीं मिल रही है, इस तरह करके। तो एक दवाई कम हो गई, यानी कि टोटल 5-6 गोली रोज़ खाती थी, और फिर भी आप लोगों के से जब भी मिली हूँ तो खुश होकर ही मिली हूँ, क्योंकि समय तो आते जाते रहता है, तो 2-3 दवाइयाँ कम हो गई, तो अब मुझे अच्छा लगने लगा है, तो थोड़ा एक्टिव हो गई हूँ। और अगर मैं ज़रा सा भी बोलूँगी कि मुझे थोड़ा सा भी बीमारी फील हो रही है तो वो जाना ही मेरा कैंसिल कर देंगे। और इतना असमंजस में मैं हूँ कि आप समझिएगा, मेरी सास आ रही है वहाँ, तो वो जनवरी में गई थी, 9 महीना रही, 8-9 महीना, अब वो मेरे भरोसे आ रही है, मैं भी बीमारी होकर उनसे मिलूं तो फिर कैसा लगेगा। और ज़रा सा अगर मैं बोलूँगी मैं बीमार हूँ, मेरे हस्बैंड ये भी नहीं सोचेंगे कि हाँ, हम वो बोलेंगे कि वहाँ पापा मम्मी का व्यवस्था कर देंगे, तुम जाओ और फिर आ जाओ, वहाँ रुकना नहीं है, इस तरह करके। तो मैं बोलती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक होना पड़ेगा। अब यहाँ पर चार पाँच दिन नहीं ज़्यादा हो गया, क्योंकि चूँकि मैं हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं बताती, मुझे भी याद नहीं रहता है, यहाँ पे 15 दिन से कम इतना पेन है, ऊपर नहीं उठा सकती, इतना पेन है यहाँ पर कंधे पर। कई लोगों ने बताया कि आप जिस पिलो पर सोते हो उस तकिया को धूप में दीजिए, मैं सब कुछ करके थक गई हूँ, लेकिन लगता है कि जाऊँ और एक्सरे करा लूँ, फिर मुझे डर लगता है फिर दवाई दे दिया जाएगा, तो परेशानी चलती रहती है। तो लगभग जो है मेरा 90% शॉपिंग हो चुका है, जो भी लेना था, क्योंकि देखिए अब लोग कहते हैं, लोग क्या, मेरे देवर लोग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि अगले दुर्गा पूजा तक मम्मी रह पाएगी, या फिर इस तरह से स्वस्थ तो अभी भी नहीं है, वो भी हिम्मत करती है, तो उनको ये डॉक्टर ने भी कहा है कि उनको ये किसी भी कीमत पर पता नहीं होना चाहिए कि उनको कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जो जिसका कि इलाज नहीं है। आप लोग बिल्कुल इंजॉय करिएगा, खुश रहिएगा, और इनको भी हमेशा खुश रखने का प्रयास करिएगा। तो इसीलिए हम लोग उसी तरह तैयारी से जा रहे हैं, ताकि उनको कहीं चेहरे पर सिकन से ये एहसास ना हो कि मैं बीमार हूँ, और मेरी बीमारी में अभी तक में 30-35 लाख खर्चा हो गया,
फिर भी डॉक्टर ने कहा है कि कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग लगभग सारी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो माँ ने कहा बेटा मेरा साड़ी मत खरीदना तुम, क्योंकि मैं यहाँ खरीद चुकी हूँ, अपना भी तुम्हारा भी, साथ पूजा को भी खरीदाएगा। बहुत उन्होंने मना किया, लेकिन मेरे हस्बैंड हर फेस्टिवल में मुझे साड़ी देते हैं, तो उन्होंने कहा तुम अपना एक ले लो अष्टमी के लिए। अष्टमी की रात में हम लोगों में नया कपड़ा जगता है, लेकिन दिन में भी करती हूँ, पहन के अष्टमी करती हूँ। पिछले बार मैंने दिखाया था जो स्क्वायर स्क्वायर टाइप का था, तो मैंने माँ को दे दिया था मुंबई जाने के टाइम, तो इस बार भी एक साड़ी उन्होंने लिया है। तो शॉपिंग सारा कंप्लीट हो गया, कल जो देखा आपने मैंने बैग भी पैक कर लिया, और मैं चाहती हूँ कि इस फ्राइडे तक मैं सारा चीज़ कंप्लीट कर लूँ, अपना एक बैग और बाबू का एक बैग, ताकि शनिवार रविवार और रविवार, ताकि शनिवार बचता है एक दिन का, और रविवार को माँ लोग आ जाएगी फ्लाइट से 11:30 बजे पटना पहुँच जाएंगे, और सोमवार को फिर पटना के डॉक्टर का पता लगाया जाएगा। मेरे हस्बैंड और देवर जाएंगे सारा डिटेल, क्योंकि हम मुंबई से पटना में ही माँ का इलाज करवाएंगे। मुंबई के डॉक्टर ने कह दिया कि अब लेके जा सकते हैं इनको, लेकिन हम लोग जब तक दम है हारेंगे नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने एक डॉक्टर का नाम लिख के दिया है, सोमवार को ये लोग पता करेंगे। सोमवार की शाम में हम लोग सब निकल जाएंगे, मम्मी भी चली जाएगी, तो भाई मेरा आएगा लेने, तो मम्मी भी 4 तारीख को यानी अगले सोमवार को चली जाएंगे, हम लोग सब चले जाएंगे। तो सारा मार्केटिंग हो गया, तो ये जो सामान आप देख रहे हैं ये सारा चीज़ कॉस्मेटिक वगैरह का भी मैंने ख़रीदा है, तो ये सारा चीज़ और कपड़ा वपड़ा जो जो लिया है, कुर्ती है या जितना भी चीज़ है, सब कुछ मैं आपको इसके अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो बैग तो लगभग पैकिंग हो गया, कल शाम में मैंने कुछ कर लिया था, कुछ आयरन करना होता है, फिट करना होता है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, और अगले वीडियो में आपको ये सारा चीज़ शेयर करूँगी। तो ज़रूर आप लोग अगला वीडियो देखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग सोमवार को लगभग तय है निकलने का, नेक्स्ट मंडे को। तो चलिए मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा।